पिज्जा खाकर डब्बा यानी कचरा सड़क पर फेंकना पड़ गया दो युवकों को भारी, इतना ज्यादा भारी कि 80 किलोमीटर वापस चलकर आए और पिज्जा का डब्बा फिर से अपने हाथ में ले लिया और उसे डस्टबिन में ले जाकर के डाला है। क्या है पूरा माजरा आप जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत हर दिल भारत, मैं हूं धर्म दुबे, नमस्कार। अब माजरे की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल कर्नाटक का मशहूर टूरिस्ट प्लेस है कुर्ग, यही कोडागु जिले में एक जगह है मदिकेरी। कावेरी नदी का उद्गम यही माना जाता है। वेस्टर्न घाट के खूबसूरत पहाड़ों और झरनों के लिए मशहूर है, साफ सफाई के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में दो युवक कार से यहाँ घूमने आए, हाईवे से गुजर रहे थे तो पिज्जा खरीद लिया, पिज्जा खाया लेकिन उसका पैकेट और डिब्बा चलती कार में से ही सड़क किनारे फेंक दिया और मैसूर की तरफ आगे बढ़ गए। उनके पीछे पीछे कोडागु टूरिज्म एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मदितीरा थिमया भी उसी हाईवे से गुजर रहे थे। थिमया और काड़ागड़ालू ग्राम पंचायत के सदस्यों ने मिलकर कुछ दिन पहले ही इस जगह की साफ सफाई की थी ताकि प्राकृतिक सुंदरता बरकरार रहे। थिमया ने जब सड़क किनारे पड़े पिज्जा के बॉक्स को देखा तो वे गाड़ी से उतरे, बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक बिल मिला। उस बिल पर पिज्जा खरीदने वाले युवक का फोन नंबर लिखा था। थिमया ने बिल में लिखे नंबर पर फोन मिला, युवक से कहा कि वे वापस आएं और हाईवे पर फैला इस कचरे को साफ करके जाएं। युवकों ने कहा कि वे कुर्ग से काफी आगे निकल गए हैं, वहां से ये जगह 1.5 घंटे की दूरी पर है, ऐसे में वापस आना मुश्किल है। जब युवक वापस आने को तैयार नहीं हुए तो थिमया ने दो काम किए, एक तो सड़क पर मिले कचरे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, दूसरा पुलिस की मदद ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, युवक के पास ढेरों फोन आने लगे, ऐसे में उसे 80 किलोमीटर चलकर वापस आना पड़ा और हाईवे किनारे पड़ा कचरा उठाना पड़ा। बेंगलुरु सेंट्रल से लोकसभा सांसद पीसी मोहन ने इसका वीडियो शेयर किया है और थिमया के प्रयास की तारीफ की है। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। बने रहें हमारे साथ, नमस्कार।